नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्रेडिएंट्स विकी में और मैं हूं आपके साथ प्रीति नहार। हिमाचल प्रदेश सदा से ही औषधियों और अन्य उपयोगी पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों व फलों का प्रदेश रहा है। यहां का ठंडा मौसम अनेक पहाड़ी और हिमालयन पेड़ पौधों के साथ ही अनेक खाद्य उत्पादों के लिए भी उत्तम रहा है, जो कई तरह की बीमारियों और रोगों के उपचार के लिए लाभदायक माने जाते हैं। ऐसे ही औषधीय पौधे गुणों से परिपूर्ण हैं और हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक जड़ी बूटी या कहे पौधे के बारे में बात करेंगे, जिसे कहा जाता है चुल्ली का पेड़। चुल्ली को आम भाषा में जंगली खुबानी भी कहा जाता है। खुबानी अपने आप में एक अनोखा फल है, जो खाने में, पशुओं के चारे में, लकड़ी जो आग जलाते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तेल को हिमाचली चुल्ली तेल कहा जाता है, जिसके कई लाभकारी गुण भी होते हैं। क्योंकि हिमाचल एक ठंडा प्रदेश है, तो चुल्ली भी ठंडे प्रदेशों में ही उगता है। हालांकि चुल्ली की खेती नहीं होती है, क्योंकि इसके पेड़ को सिंचाई या किसी खास देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। इसे आसानी से घरों में या आसपास के खेतों में आप लगा सकते हैं और ये खुद से उगने वाला, बढ़ने वाला, फूलने वाला पेड़ है। चुल्ली के पेड़ के फलों को सुखाकर इसकी गुठली निकाली जाती है और इसके बाद इन गुठलियों से इसके बीज निकाले जाते हैं। इसके बाद इन बीजों को पीसकर तेल बनाया जाता है। चुल्ली को वाइल्ड एप्रिकोट भी कहा जाता है। किन्नौर के अलावा ये पेड़ शिमला, कुल्लू, सिरमौर, लाहौल स्पीति और चंबा जिलों में पाए जाते हैं। साथ ही कश्मीर और उत्तराखंड के इलाकों में भी चुल्ली के पेड़ जंगलों में पाए गए हैं। इसके तेल की गुणवत्ता और लाभों को देखते हुए इसे सरकार की तरफ से GI टैग भी दिया गया है। बात करें चुल्ली तेल के औषधीय गुणों की, तो इसे खाने में तो इस्तेमाल किया ही जाता है, साथ ही साथ शरीर की मसाज के लिए ये तेल काफ़ी लाभकारी है। पीठ दर्द या जोड़ों के दर्द में ये काफ़ी राहत दिलाता है। आप इस तेल से जोड़ों में जब दर्द होता है तो इसकी मसाज कर सकते हैं। रोजाना सुबह एक चम्मच चुल्ली के तेल का सेवन करने से शरीर की सफाई भी होती है। त्वचा की टोन में सुधार करना हो या त्वचा को कोमल बनाना हो या उसकी चमक को बरकरार रखना हो तो इस तेल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये तेल चेहरे की झुर्रियाँ, महीन रेखाओं और टैन को दूर करने में भी आपकी मदद कर सकता है। तो ये थी जानकारी चुल्ली तेल के बारे में, जो कि चुल्ली पेड़ से बनाया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए इंग्रेडिएंट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।